लिए आज अपने मस्तक को ऊंचा करके आज कह रहा है कि भारत आर्थिक क्षेत्र में दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट की तरह चमक रहा है, उभर रहा है। और दुनिया, पहले भारत दुनिया को देखती थी, आज दुनिया भारत को देखती है। तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था किसी देश की होगी तो उसका नाम भारत होगा, भारत होगा और भारत होगा। विश्व की सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश बना, और इसलिए बना कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करना चाहते, सदन से अनुरोध करना चाहते कि वित्त मंत्री जी के द्वारा लाया हुआ ये बिल देश के आर्थिक सुधार में एक नया कदम है, क्रांतिकारी कदम है। श्री दीपक प्रकाश जी, धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण बिल में मुझे बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं दिल की गहराई से आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हूँ। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को कि उनके कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में भारत आर्थिक क्षेत्र में दुनिया में एक मिसाल पेश की है। और आज सुबह जब मैं सवेरे हमारी नींद खुली तो मैं बधाई फिर से देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को और निर्मला सीतारमण जी को, तो अखबार के, दुनिया के अखबारों में एक सुर्खियां भारत के आर्थिक क्षेत्र में भी पढ़ने का अवसर मिला। और वो समाचार ये था कि भारत आर्थिक क्षेत्र में मजबूत वृद्धि दर से दुनिया में मिसाल पेश कर रही है। ये रिपोर्ट कोई भारतीय का नहीं, कोई हमारा नहीं, कोई बीजेपी का नहीं, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक रिपोर्ट आया, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वैश्विक वृद्धि में भारत का योगदान 16% से भी अधिक रहने का अनुमान है। और ये संभव इसलिए हुआ कि देश के में आज जो नेतृत्व करता है उनका नाम नरेंद्र मोदी है। इसलिए, और ये समाचार देश के 140 करोड़ जनता के मस्तक को ऊंचा करने वाला है, देश के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने वाला है। हर भारतीय आज अपने मस्तक को ऊंचा करके आज कह रहा है कि भारत आर्थिक क्षेत्र में दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट की तरह चमक रहा है, उभर रहा है। और दुनिया, पहले भारत दुनिया को देखती थी, आज दुनिया भारत को देख रही है। सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था किसी देश की होगी तो उसका नाम भारत होगा, भारत होगा और भारत होगा। विश्व की सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश बना, और इसलिए बना कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इतना ही नहीं, जो नवंबर 2023 में जो जीएसटी का संग्रह 1.68 ट्रिलियन रुपए हुआ, वित्त वर्ष में 2023-24 में नवंबर के समाप्ति के समय में सकल जीएसटी संग्रह औसतन 1.66 लाख रुपए प्रति माह था। यह एक आश्चर्यजनक वृद्धि था, वो वास्तव में अपने आप में भारत के लिए, भारत की जनता के लिए एक बेहतर और अच्छा आर्थिक संग्रह का एक कदम है। हम सब कोई जानते हैं पिछली सरकार, कांग्रेस की सरकार, कोयले घोटाले में मस्त सरकार, आज अगर उपस्थित रहते तो अच्छा रहता, उनको सच का सामना हम सब लोगों के माध्यम से होता। लेकिन सच है कि कांग्रेस को कभी सच पसंद नहीं है, इसलिए कोयले के उत्पादन में मोदी जी के नेतृत्व में 18.4% बढ़ाने का काम है। उसी प्रकार से सीमेंट का उत्पादन, इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमेंट का भी बहुत बड़ा उपयोग होता है। किस प्रकार से आधारभूत संरचना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव देहात टोले बस्ती तक ले जाने का संकल्प था, उसको पूरा करने का काम किया। इसलिए सीमेंट के उत्पादन में भी 17.1% की वृद्धि हुई, ये कोई छोटा काम नहीं है। और ये संभव इसलिए हुआ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसी प्रकार से इस्पात के उत्पादन में 11% की वृद्धि हुई,
और ये इस्पात के उत्पादन में हम कह सकते हैं कि दुनिया में इस्पात उत्पादन में भारत ने एक नई मिसाल पैदा की है, एक नई मिसाल पैदा की है। दुनिया देख रही है कि भारत में किस प्रकार से कच्चे इस्पात का उत्पादन बढ़ा है, और उत्पादन बढ़ने से, इस्पात के उत्पादन बढ़ने से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार से शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह बीत वर्ष 2013-14 में 6.38 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर के वित्त वर्ष में 2022-23 में 16.61 लाख करोड़ रुपए हो गए, 160% वृद्धि की गई। और यह संभव इसलिए हुआ कि मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करना चाहते, सदन से अनुरोध करना चाहते कि वित्त मंत्री जी के द्वारा लाया हुआ ये बिल देश के आर्थिक सुधार में एक नया कदम है, क्रांतिकारी कदम है। हम सब मिलकर के इस बिल का समर्थन करें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।